रहा था, डीजे बज रहा था, बारात लड़की के द्वार पर पहुंची और दूल्हा कार से उतरकर दोस्तों के साथ डांस करने लगा। डीजे की धुन पर उसका डिस्को डांस इतना लंबा चला कि लड़की का पिता नाराज हो गया और शादी में पहुंचे एक अन्य लड़के को बुलाकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। ये कहानी सुनने में फिल्मी जरूर नजर आ रही है, लेकिन इसमें सच्चाई है। यह घटना महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर पंगरा गांव में 24 अप्रैल की बताई जाती है, जहां लड़की के पिता का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में धुत था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दी। लड़की के पिता का यह भी कहना है कि बारात मुहूर्त निकलने के बाद शाम 4 बजे द्वार पर पहुंची और दूल्हा 8 बजे तक डांस करता रह गया। देर से आने का कारण पूछा गया तो बाराती मारपीट पर उतर आए, जिसके बाद लड़की वालों ने दूल्हे समेत लड़के वालों की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें बिना खाना खिलाए ही भगा दिया। ऐसे में मामला पंचायत के पास पहुंचा, जिसमें तय हुआ कि इसी मंडप में लड़की की शादी होगी, लेकिन किसी और से। इसके बाद तलाश शुरू हुई और बारात में शामिल एक लड़का लड़की को पिता को भाग गया। पिता ने अपनी झोली फैलाई और कुछ ही देर में लड़का भी शादी करने को तैयार हो गया। खास बात यह है कि लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हैं। दूसरे वर को पाकर दुल्हन प्रियंका बहुत खुश है। उसने कहा कि गनीमत है जो पहले ही पता चल गया कि दूल्हा शराबी है। वो नाच रहा था और मैं घंटों वरमाला लेकर खड़ी रही। उसकी हरकत से पूरा परिवार आहत था। अच्छा हुआ कि सच्चाई वक्त से पहले सामने आ गई। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।